आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मुमताज अहमद खान एक ऐसा नाम जो पाकी विधानसभा में लगातार पिछले कई वर्षों से समाज से जुड़कर हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहे हैं। आज वो चुनाव के मैदान में है। आजाद समाज पार्टी ने इन्हें यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। इनके कदम चल पड़े हैं। कहावत है ना, हम चले थे अकेला कारवा बनता गया। हालांकि ये सोच नहीं था इनका कि ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे एक दिन, लेकिन ये शुरू से समाज से जुड़े रहे हैं और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। लेकिन लोगों ने कहा कि आप अगर पावर में आएंगे तो और बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, और यही बात बतलाने निकल पड़े हैं। इन्होंने यहाँ बैठे हुए भी तमाम लोगों से ये भी आग्रह किया है, चुनाव का वक्त है, कई लोग आएंगे, अपने आप को जनता का सेवक बतलाएंगे। आपने गाना सुना होगा आपने कि हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। ये बतलाने के लिए कई लोग आएंगे और आपको दिग्भ्रमित करेंगे, लेकिन दिग्भ्रमित होना नहीं है। आपका बेटा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बतला भी रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। आप देख सकते हैं कि गले में गमछा और निकल पड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और अभी इनका कारवा पहुंचा है मंझौली में। कैसा लग रहा है सबसे पहले लोगों से मिलकर? सबसे पहले सिटी न्यूज परिवार को मेरा बहुत शुक्रिया, और आपके सम्मानित सभी दर्शक भाइयों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी न्यूज के परिवार और आपके जितने लोग हैं इस कलामों में और इस राज्य में, कहीं बहुत लोग हमको जानते हैं, मैं अजनबी नहीं हूँ। मेरे नेचर आचरण से सभी वाकिफ़ हैं। मेरी प्रशंसा होती है कि नहीं, ये अच्छा इंसान है, जात धर्म से बाहर रहकर और सामाजिक कार्यों में भी सक्रियता के साथ रहते हैं। मेरा मनोबल बढ़ता है ये मान सम्मान मिलकर, तब इस तरह के सामाजिक कार्य और हम बढ़ चढ़ के करने लगते हैं। और जब करते करते लोगों की आवाज़ आती कि आप तो इलाज करा लेते हैं लोगों का, खून भी देकर आप तो इंसाफ करा लेते हैं अपने अनुभव तजुर्बे से, बड़ा शांत स्वभाव के साथ लोगों को न्याय मिल जाती है। काश ये शक्ति और होती आपको तो और भी काम होता, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों ने मुझे प्रेरित कर दिया और मेरे हौसले और बढ़ गए, मनोबल बढ़ गए, तब हम चुनाव में आए हैं। और बड़े इत्मीनान के साथ, मेरे साथ न कोई घबराहट और न कोई बेचैनी, हम लगे हुए हैं काम करने के लिए। हम सभी पंचायत 65 हैं हमारे यहाँ, 65 पंचायत में पंचायत कमेटी पहले बनाया आज़ाद समाज पार्टी का, और विचारधारा की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान की बात बताए जो देश चलता है उसी से ये बता करके वर्तमान में उसको लेकर के चलने वाला, पहले बाबा साहब को अनुयायी मानने वाला, आदर्श और आइडियोलॉजी के आधार पर नौजवान, अभी 38-39 बरस उम्र का और पढ़ा लिखा एडवोकेट, कानून का जानने वाला भाई चंद्रशेखर आज़ाद माननीय सह सांसद अभी हमारे बीच सदन में हैं। तो गांव गरीब मजदूर किसान वंचित शोषित पीड़ित सभी मजलूम के साथ जात धर्म नहीं देखकर कर रहे हैं आवाज़ बुलंद, जो देखने को मिलता है सभी आपके माध्यम से भी और लोकसभा सांसद सदन के चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है। और वो जब जनहित में सभी जात धर्म के काम करते, मेरा विचारधारा उन्हीं से मिलता। मैं उस पार्टी में आया तब ये जो पहले मैंने बताया कि पंचायत कमेटी तक बना दिया, बूथ कमेटी तक बना दिया, गांव में जाकर पंडाल लगकर ग्रामीणों के द्वारा पंडाल सजाया गया, नाश्ते पानी का इंतज़ाम कराया गया और उनके खर्चा और पैसा से हमको स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद हमारा मनोबल बढ़ाया और ये संगठन बिल्कुल तैयार है। आपको पता है कि 65 पंचायत में हम ग्राउंड में बूथ लेवल पर 30-30 सदस्य हम खड़े हैं कर दिए हैं और लोग खड़ा है, कहीं कहीं तो 40-50 नाम मिल गए। तो वो नाम जितना मिलता गया मैं सबको जोड़ते चले गए, और हम जो चुनाव जीतने के लिए एक जो चाहिए फॉर्मूला वो बिल्कुल तैयार है। बैकग्राउंड से अनुभव तो मेरा जितना है, हम नहीं कह सकते कि मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि चुनाव जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उन तमाम से अनुभव है मेरा ज़्यादा। और उन लोगों को काम करने की आदत भी नहीं, रुचि भी नहीं, दिलचस्पी भी नहीं, करके तो देख ही लिए गए, पूर्व वर्तमान दोनों की बड़ी शिकायत है, बड़ा आक्रोश है, मान सम्मान नहीं देते, स्वाभिमान से समझौता करते जैसा आपने देखा है, राज्यसभा में वोट दे देते, UPA फोल्डर के खिलाफ अपने ही प्रत्याशी को वोट नहीं देकर भाजपा को राज्यसभा में बढ़ावा देना, CA NRC जैसी चीज़
मुसलमान के खात्मे के लिए बनाया जाने वाला कानून, मुसलमान का अधिकार हिंदुस्तान में ना रहे, नागरिकता, ये सारी चीज़ ख़त्म करने वाला कानून और बिल पास होगा तो उसके लिए भाजपा का समर्थन चाहिए। और उस भाजपा के समर्थन के लिए माननीय पूर्व विधायक महोदय ने तो अपना वोट ही नहीं दिया, चाहे वो आदिवासी उम्मीदवार थे इसके वजह से नहीं दिया या भाजपा का आइडियोलॉजी के वजह से नहीं दिया। लाभ मिला उनको 200-300 करोड़ रुपए का या फ्री में दिया। लोग कहते हैं कि पैसे पर ऐसे फैसले हो जाते हैं, तो ये तो किसी स्वाभिमान के साथ समझौता किया और तहस नहस कर दिया। अपने पिताजी के नक्शे कदम पर नहीं रहने के कारण उनको 2,500 वोट से जीत जरूर हुई थी, चूँकि 56,000 वोट मिला था। 35,000 भाजपा को कर दिया गया, तीसरा नंबर पर था उसके सामने। 3 बरस के बाद, कार्यकाल के बाद, इनकी जो काम किए गए, जो देखा लोग, बड़ा आक्रोश हुआ, सब कुछ उल्टा। तब फिर नतीजा सामने है कि 38,000 वोट से हार गए। मेरा मानना है कि 38,000 प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि 38,000 उनके पिताजी को वोट मिलता था, 20,000 से जीत जाते थे, 18,000 मधुबाबू को मिलता था, और वो 38,000 से बिट्टू बाबू हार गए। शायद इसीलिए 38,000 प्रकृति ने किया होगा। 38 का फॉर्मूला और पहाड़ा याद रहेगा। हम तो साथ थे ही, हम उनके साथ कदम से कदम मिलकर चले, विचारधारा से नहीं मिला। कैसे इस तरह का सामाजिक कार्य करने वाला इंसान इस तरह के आइडियोलॉजी और विचारधारा को सहन कर सकता, इसलिए हम अपना रास्ता अलग कर लिया, या हमारा रास्ता वो उन्होंने अलग कर दिया। तो उससे हम परेशान नहीं हैं, समाज का काम करना था कर रहे हैं। अभी यहाँ हम जहाँ जमा हैं, ये है पंचायत मझौली, और ये मझौली तरहसी प्रखंड का, यहाँ आस्था का है एक देवी मंडप, जहाँ देवी माँ की करते हैं लोग आराधना, यहाँ लोगों की पूरी होती है मनोकामना, बड़ा आस्था श्रद्धा उत्साह के साथ। जब रामनवमी का आता है तो कुछ दृश्य होते हैं ऐसे कि है झलखंडी मझगावा में, लेकिन मझौली के खेती बाड़ी सब हो जाती है चौपट, और फिर वो खड़ा हो जाता है खेती, लोगों के भीड़ जन समूह से। तब वहाँ आकर के अमानत जब सूखा होता है, पानी की ज़रूरत होती है, तब मुमताज आता है मोहताज बनकर, अपना 2-3 JCB लेकर। पिछले 25 वर्षों से ये काम करने की है आदत, तो हम वो करते हैं कमेटी के बिना इजाज़त के, प्रशासन के बिना इजाज़त के, अपने काम को समझकर। ये मेरी परंपरा है, लोग सराहते हैं इसको कि ये अच्छा इंसान है। देवी मंडप के कार्यक्रम में जहाँ रामनवमी के पौराहुति होती है, उस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का जिस दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो कार्यक्रम भी होते हैं वहाँ मंच पर। जब मैं कभी बैठा होता 2017 में, तो गिर गया मंच, तो टूट गया पैर मेरा। ये है हमारा इतिहास, यह है मेरा परंपरा, इसीलिए मेरा मनोबल बढ़ा। अभी बात करेंगे, जब आप एक समाज से भी थे और आज राजनीतिक में, एक चुनाव के मैदान में, दोनों में कितना अंतर मानते हैं? हाँ, राजनीति में जब चुनाव के मैदान में हम आए हैं, तो हम कोई राजनीतिज्ञ बन के नहीं आए हैं। मैं आप यहाँ के लोग के भाई बेटा परिवार बन के आए हैं, और हमको ये विधायक बनना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन विधायक जो बनते हैं वो भावना आहत करते हैं, काम नहीं हो पाता ऐसे मूलभूत, जैसे स्कूल में, विद्यालय में शिक्षक विहीन, गुरु बिना ज्ञान कहाँ। यहाँ मिलते हैं मध्याह्न, यहाँ मिलते हैं स्टाइपन, ड्रेस मिल जाता बच्चों को, किताबें मिल जाती फ्री में, और बक्स भी मिल जाता पढ़ने के लिए, स्कूल की संरचना, भवन सभी, लेकिन भवन से कहीं पढ़ाई नहीं होती, ये मध्याह्न से नहीं होती। एक शिक्षक है स्कूल में क्लास 8 तक, है सिटी न्यूज के तमाम परिवार, चाहे वो दर्शक के रूप में या आप सभी या जो भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, संभव है कि एक शिक्षक 8 क्लास तक, 2 शिक्षक 10 क्लास तक देगा गुणवत्ता के साथ शिक्षा? अरे हमने तो देखा कि सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं, जनप्रतिनिधि का ध्यान बिल्कुल नहीं, लड़े हैं आपस में कंपटीशन में, हम हैं कैसे ज़्यादा ले लें ठेकेदारी, हम रोक दें कैसे इसकी ठेकेदारी, इसकी लड़ाई से जनता को क्या लेना देना। स्कूल में शिक्षक के लिए आवाज़ उठा देते, व्यवस्था कुछ ऐसे कर देते कि मेरी बच्ची पढ़े तो नर्स हो जाती, मेरी बच्ची पढ़े तो DEd, BEd, TEd भी इस विधानसभा में हो जाता। ऐसा कभी आवाज़ करते हुए न सदन में देखा, न पूर्व को देखा, न वर्तमान को देखा, तो कैसे सहन करें मैं जो है इसका अभाव, और हमको इसका है अनुभव, चूँकि अभाव का अनुभव जिसको होता है वही बात को समझता है, गरीबी को जो देखा है गरीबी को वही समझता है। मैं इकलौता ऐसा प्रत्याशी हूँ जो मजदूरी भी किया कंधे पर लकड़ी ढोकर, और हम मिट्टी भी काटा अपने चौका कुदाली से, हल भी जोता दिन भर और कुदाली भी चलाया दिन भर, खेती भी किया तो बटाई, इसलिए कि खेत नहीं थे। और उसके बाद आज आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत के बुनियाद पर, ईमानदारी के साथ, एसी जैसी गाड़ी हम को साधन है, तो हमको अनुभव है
जो लोग हैं संपन्न साधन पूर्ण या अभाव में, दोनों का अनुभव हमको है। तो दोनों का अनुभव जिसको होगा, अंतिम व्यक्ति पंक्ति का उसका या प्रथम पंक्ति का व्यक्ति उनका अनुभव है, और समस्या सबके साथ है। सभी की समस्या का समाधान करने का मैं लिया हूँ संकल्प, मैं हूँ कटिबद्ध, मैं हूँ प्रतिबद्ध, और यह वास्तविक है। यह यहाँ की जनता जानती है कि यह बात बोलता है सच, करेगा सच। एक सवाल अंतिम, एक आप यहाँ लोगों को समझा रहे थे अभी कि बहुत लोग चुनाव में मतलब जो है आते हैं, तरह तरह के लुभावने बातें करते हैं कि अपने हम आपको बहुत तरह के काम दे सकते हैं, बहुत सारे। अभी आपने कहा कि मुर्गा दौरी पर मत नहीं बिकना है, क्या कहना चाहिए? देखिए, लोगों को पता है कि जब हमको वोट लेना है तो मेरे कर्म के आधार पर तो वोट मिलेगा नहीं, चाहे वर्तमान है या पूर्व। लेकिन उनको इस बात की उम्मीद है कि बहुत लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, और उनको अभाव है, उनको कुछ पैसा देंगे तो वोट दे देंगे। ये परंपरा भी रही है कि कुछ लोग पैसे लेकर के वोट दे देते हैं, उसकी एक समूह बनाई गई है। और हमारे जो वर्तमान और पूर्व जो भी हैं यहाँ पहले से, या कुछ नए भी लोग आए हैं ऐसा, जो उनको तो पैसा से ही वोट लेना है, उनका तो यहाँ कुछ है नहीं। तो हम तो उनसे बहुत खुश हैं कि ऐसे लोग आकर के कुछ दे ही देते हैं, लेकिन नाराज़गी मेरी उनसे है कि काश तुम काम करके लोगों का दिल जीत लेता, जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो दे करके ले लेते, तो वो समूह काम कर रहा है अभी कि का कमी हवा बोला, का दिक्कत है खुल के बोल, जो होगा हम करेंगे, ऐसा एक समूह चल रहा है। डाल्टनगंज में मीटिंग चल रही है मुसलमान की, वो कुछ लोग गए हैं जिनसे जिनको उनसियत है बिट्टू बाबू से। मेरा आपके माध्यम से कहना है उनको भी कि क्या आपको उनसियत का कारण है, हमने क्यों नहीं समझा दिया कि काबिल है और सलाहियत है, हम भी लग जाते हैं उन्हीं के साथ। ये मेरे जो खर्च लग रहे हैं पानी पैसा के तरह, ये पानी के तरह पैसा हम भी बहा रहे हैं कहीं। अगर मेरा 10 ही लाख रुपया खर्चा हो जाए पूरे चुनाव में तो ये 10 लाख आता कहाँ से, मेरा बच जाता। लेकिन आप हमारे लिए भी भला करते, हम भी तो मुसलमान थे, हमको भी वहीं जोड़ देता। और लोग वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सुना है कि चंद्रा रेसिडेंसी शहर का सबसे बड़ा होटल है जहाँ खाने पीने के अच्छे साधन हैं, और वहाँ गए हैं कुछ लोग ऐसे समझाने के लिए, महज एक मैसेज पास करने के लिए कि हम तो हैं समाज के रहबर और हमारी बात हो गई है मशवरे। मशवरा से ऐलान करके व्हाट्सएप फेसबुक के सोशल मीडिया में डाल दिया जाएगा, कल के कुछ अखबार में भी छप जाएगा कि मुस्लिम समाज पाकी का कुछ ऐसा निर्णय लिया भाजपा को रोकने के लिए, जो एकमात्र विकल्प बिट्टू बाबू थे उन्हीं के लिए निर्णय ली गई है। मेरा उनसे सवाल है कि अगर आप रहबर हैं तो मैं आपका आदर करते हैं, हम आपका कदर करते हैं, अगर आप सदर हैं तो और कदर करते हैं, अगर समाज में आपकी आपकी यहाँ उपलब्धता ऐसा ही रहा है कि आपके बगैर समाज का काम ही नहीं होता, और आपने तो वो कुर्बानी दिया है तो आपका बात तो मानेंगे ही लोग, हमको भी मानना चाहिए था। और बिट्टू बाबू का कुछ एक अच्छा कुछ नया ऐसा कुछ दिखा देते। अरे जब वो थे यूपीए के तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा, लाल सूरज अगर मिल गए तो क्या क्यामत आ गई। आप लाल सूरज के लिए इंडिया गठबंधन के हैं अगर बहुत शुभचिंतक तो सभी चढ़ जाते उसी पर, यही ऐलान कर देते उन्हीं के लिए, तब माना जाता कि आप ईमानदार। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन से दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं, निहित स्वार्थ के चक्कर में सब हैं फंसे। सिल्दिलिया कंस्ट्रक्शन नामक एक कंपनी है बिट्टू बाबू की जो संचालित करते हैं खुद ही, और वो देते हैं ठेकेदारी उनको, पैसा भी नहीं देते उनको काम करा कर। बड़ा अफसोस है मेरे उन भाइयों को, 8 बरस में जब पैसा तुम्हारा किए मेहनत का नहीं मिला मेरे भाई, तो आज कैसे उम्मीद करते हो कि मिलेगा। अभी भी ले लिया काम कोई ऐसा जो क्लास 1 के कॉन्ट्रैक्टर हैं खुद ही, और उनके नाम पर जाके काम करते हैं, निहित स्वार्थ से कोई बाहर नहीं जाता। अफसोस इस बात की, वही कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, ये झूठे हैं और गलत है। ऐसे फर्जी समाज सेविका के समाज को दिग्भ्रमित करने की बात मेरा समाज भी समझता है। अब मेरा कहना है कि समाज के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समाज किसी एक जात का नहीं होता, हम समाज के भरोसे लड़ रहे हैं, तो जमात की समाज सभी जात की जो हमारे साथ सभी हैं, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया। इसका सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, इसका सर्टिफिकेट आपके माननीय सभी जो दर्शक हैं और आपको देखते हैं, या आपका संदेश जहां तक जाता है, लगभग लोग हमको जानते हैं, हम पर दाग नहीं, हमारी छवि खराब नहीं, हमारे पर कोई आरोप नहीं, हम पर कोई मुकदमात नहीं, किसी की भावना आहत नहीं किया, तो हम दिल जीते हैं। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप है 65 पंचायत में, चाहे आप हमको केकरगढ़ में देखिए, हमको चाहे वहाँ ताल में देखिए, रतनपुर में देखिए, होटाई में देखिए, उसके बाद आसेहार के रास्ते से जब आप जाएंगे कहीं वहाँ जूरू
और जूरू से चलेंगे उधर घुटवा, घुटवा से चलेंगे धावाडी, धावाडी से चलेंगे तो हम चले जाएंगे चक, चक से चले जाएंगे टरिया, टरिया से चले जाएंगे रंगिया, रंगिया से चले जाएंगे गोइंदी, गोइंदी से चलेंगे तो हम आ जाएंगे नौटिया। ये है हमारे विधानसभा की चौहद्दी। कोई ऐसा गांव नहीं जो हमसे बचा और कोई ऐसा गांव नहीं जहां 50 आदमी मेरे साथ नहीं है फौलादी हाथ के साथ। तो हमको तो विश्वास है और हम बहुत इसी से उत्साहित हैं। और हम चूँकि चुनाव है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है, इसलिए सुबह से शाम तक रहते गांव में लोगों से मिलते जुलते हैं। हर जगह लोग बुलाते हैं, मैं वहां नहीं जा पाता, चुनाव में ये शर्त को पूरा करना पड़ता है, इसलिए हम जा रहे हैं। अन्यथा मेरे जैसा इंसान को नॉमिनेशन करने के बाद अपने कर्मों के आधार पर घर ही रह के चुनाव जीत जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लोग दीर्घमित करते हैं, पढ़े लिखे कुछ कम लोग हैं, राजनीति के ज्ञान को लोगों को नहीं है और राजनीति करके लोग करते हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सामाजिक काम करने आए हैं, सभी जात धर्म के विश्वास में लेकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ऊपर वाले की कृपा से सभी भाइयों के, सभी धर्म जाति के लोगों के आशीर्वाद से सफलता मेरे बहुत नज़दीक है। और मेरा दावा है कि मेरे साथ लड़ाई में कोई नहीं है, लड़ाई में हम बहुत आगे हैं। 40,000 से तो स्टार्ट करने की ऐसा हमें उम्मीद है और 40,000 से स्टार्ट करने वाला कोई नहीं, 40,000 जाते जाते सांस टूटने का भी लोगों का हमारा उम्मीद है। एक सवाल अंतिम में खाली बता दी, क्या अपील करना चाहेंगे अपने अपने क्षेत्र की जनता को, क्या करना है? बस अपील करना चाहते हैं कि झूठे फरेब करने वाले वादे और जिनको अनुभव का बिल्कुल अभाव, उनसे बचने की है ज़रूरत। बहुत अच्छा है मौका, अभी चाहें तो कर लें अपने भविष्य का सौदा, और नहीं तो बड़ी पछताएंगे सभी, बच्चे रह जाएंगे अनपढ़, उनको नहीं पढ़ाना ये सही बात है। पता कर लीजिए कि आबुन जाकर, पता कर लीजिए कहीं भी जाकर, आपके यहाँ भी स्कूल में बच्चों की संख्या में अनुपात के अनुसार शिक्षक की है कमी, गुरु बिना मिले ज्ञान कहाँ, इसलिए हम आए हैं आगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शिक्षा का, दूसरा मेरा मुद्दा स्वास्थ्य का। हॉस्पिटल बने हैं पद्मा में नया मनातू के नाम पर, और वहाँ कोई नहीं है डॉक्टर, वहाँ तो बंद रहता ताला लगाकर। जहाँ इलाज कराने जाते मनातू थाना के ठीक सामने वाला हॉस्पिटल, अपने बेनूरी पर रो रहा है वो संरचना, गिरने को है दम पर वो बिल्डिंग, इसके तरफ ध्यान कभी किसी का नहीं हुआ, तभी तो हमको चुनाव लड़ना पड़ा, अन्यथा क्यों लड़ते, हम तो सहयोग कर देते। यही अपील करने आए हैं कि तरहसी में नहीं रहते डॉक्टर, आपका करे कौन इलाज, झोला छाप डॉक्टर से है खतरा, सदर हॉस्पिटल में भी नहीं है व्यवस्था, प्लेटलेट बनाने के लिए खून से मशीन भी नहीं है इतनी बड़ी इमारत में, ये कितना हमारा दुर्भाग्य। छोटा सा व्यापारी के हॉस्पिटल में, नारायण हॉस्पिटल में जरूर 1500 रुपया में हो जाता, कैसे कराएंगे गरीब मजदूर किसान के लोग प्लेटलेट तैयार खून से। ये सब है समस्या, समस्या अनंत है, मैं नहीं कर सकता सबका समाधान, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में भी जो समुचित व्यवस्था है, जो जीर्ण शीर्ण में है लघु सिंचाई योजना, जो भर गया है सिल्टेशन से और उसका आउटलेट जो है ऊपर हो गया है, आउटलेट का जो हिम पाइप नीचे है, पानी रहे कहाँ जब गड्ढे नहीं 25-30-40 बरस से। मैं यहाँ पर बगले में हमारा इसी पंचायत में के बगल में वहाँ से पानी आता था मझौली तक, कभी आता था, ग्रामीण सब जानते हैं। आज वहाँ से डैम से निकल नहीं पा रहा है, आउटलेट हो गया नीचे और मिट्टी भर के हो गया सिल्टेशन से ऊपर। इसलिए टेक्निकल चीज़ को जानकर मुझको अनुभव है इसका कि उसको हम डिसिल्टेशन को हम साफ कराएंगे और सरकार से डिमांड करके समुचित व्यवस्था कराएंगे। एक दिन यही डैम ऐसा था जो वहाँ है बेलाई में पचरुखिया में, और वहाँ से पानी आता था मझौली अमानत नदी में गिरता था, आज तो बेलाई में भी सिंचाई नहीं हो रहा है डैम के जड़ तक। ये सच है, ऐसा लघु सिंचाई की योजना एक नहीं है, मेरे विधानसभा में अनेक है, लेकिन मैंने, मुझे अफसोस है इस बात का। और आपको भी जानना चाहिए कि किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं कर सका, कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं उठाया। अरे कुछ नहीं कर सके तो मान सम्मान भी नहीं दे सके, स्वाभिमान से समझौता कर दिए। ये तो था अपने पास, कोई सरकार था विरोध में, कहते हैं लोग कि हमारा सरकार नहीं था, पूर्व विधायक कहते हैं मेरा सरकार नहीं था, मैंने काम बहुत करा लिया, तो वो सच बोलते हैं कि सरकार नहीं था तब भी कराया, निहित स्वार्थ में कराया। वही तो आप कराए थे जो पुल अभी भी है 8 साल का अधूरा, तो सरकार से आपका कैसे नहीं अच्छा बनता, सरकार आपका नहीं था तब भी तो आप उनको पद्मा में लाकर कार्यक्रम कराते थे, तो उनका ब्रजहस्त आप पर तो था ही, ये उनका चला। वर्तमान कहते हैं सरकार नहीं, मैं नहीं काम करा सका, ठिकरा फोड़ते हैं सरकार पर, सरकार पर ठिकरा फोड़ते हैं, फोड़ना चाहिए, लेकिन
आपके पास जो था आपने क्यों नहीं दिया? आपके पास पूंजी तो था स्वाभिमान का, आपके पास पूंजी था मान सम्मान का। आप ही के वर्कर तो कहते हैं कि बात नहीं करते अच्छा, व्यवहार नहीं करते अच्छा, हम लोगों को मान सम्मान नहीं देते, ये तो दे करके जोड़ के रखते 93 से, इसीलिए तो हो गए 40,000, इससे ज़्यादा जाएंगे कहाँ। इसलिए हम अपील करना है कि इस तरह के पुराने जो लोग देखे हैं वही आएंगे कहने के लिए कि हम ही हैं हिमायती, कुछ नया करेंगे घोषणा, पुराना हो गई उनकी पुराना, इसलिए उससे बचने की ज़रूरत है। मेरा अपील यही है कि अगर हम हैं सच्चा, आपको लगता है कि अनुभव का अभाव नहीं है, इसको अनुभवी है तजुर्बेकार, इलाज करा लेगा, इंसाफ करा लेगा, तो फिर हमको ज़रूर चुनिएगा, अन्यथा मर्जी आपकी। हम पैसा दे करके वोट तो नहीं ले सकते, इसलिए कि पैसा पर विश्वास हम नहीं करेंगे। मैंने जो कर्म किया उस पर हमको बहुत विश्वास है, अपने कर्मों के आधार पर हम वोट लेंगे, यही है मेरी लोगों से अपील। यह है मुमताज खान, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान हो या पूर्व, किसी की चिंता, किन्हीं को चिंता नहीं था यहाँ के जनप्रतिनिधि मतलब जनता के बारे में, यानी यहाँ के ग्रामीणों का, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न सड़कों का हाल बदहाल है, शिक्षा का हाल भी वैसा ही है, स्कूल है शिक्षक नहीं है, ऐसे में कैसा होगा, कैसे होगा विकास, कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ करके अच्छे रोजगार पाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो मैदान में है, और ये इनका भी दावा है कि हम अनुभवी हैं और अच्छे उनसे बेहतर हैं हर मामले में, तो क्यों ना हमें चुने, ताकि हम जनहित, पहले भी लोगों के समस्याओं का समाधान करते थे बिना पावर का, और आज जब पावर आप देंगे तो आपके भविष्य को संवारने का काम करेंगे। अब तो जनता है, तय करेगी जनता, लेकिन फिलहाल मुमताज अहमद खान ने कहा कि अगर हम समाज में जोड़कर आपके लिए कुछ किया है तो मुमताज खान को एक वोट जरूर दें। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पलामू।